अस्सलाम वालेकुम यमी कुकिंग रेसिपीज़ में वेलकम। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी मज़ेदार से चूजे का सूप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक अदद जो है हमने यहाँ पर जो है चूज़ा लिया है और इसी के साथ हमने 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट लिया है, 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट और यहाँ पे 1/2 टीस्पून काली मिर्च है, 3 से 4 अदद जो है लौंग है और छोटी इलायची हमारे पास 3 से 4 अदद और 1/2 टीस्पून हल्दी है। तो हमने जो इसके अंदर 2 गिलास पानी ऐड कर दिया था। इसके बाद जो हमारे जो गर्म मसाले थे छोटी इलायची काली मिर्च और लौंग वो जो है हमने इसके अंदर ऐड कर दिए थे। इसी के साथ हमने हल्दी भी जो है इसके अंदर ऐड कर दी थी। अब इसके अंदर हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। मिक्स कर लेंगे। तो अब इसके अंदर हम देसी मुर्ग जो है हमारी वो ऐड कर देंगे। अब इनको हम मिक्स कर लेंगे। नमक ऐड कर देंगे हसब ज़रूरत और मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम पकने के लिए छोड़ देंगे 30 से 40 मिनट तक के लिए। तो ये देखिए हमने इसे जो है 1/2 घंटे तक के लिए जो अच्छे तरीके से जो है पका लिया था। चिकन का जो हमारा जूस है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है निकल चुका है। अब जो है हम इसको छान लेंगे। तो ये देखिए हमारे मज़ेदार से देसी मुर्ग सूप जो है वो बिल्कुल रेडी है। हमने जो है इसे जो है छान लिया था। तो ये बहुत ही जो है ना अच्छी रेसिपी है। ये जो है ख़ासकर जो है नज़ला ज़ुकाम जो हो जाता है बच्चों को ये बहुत ही जो है बेस्ट होता है उसके लिए, नज़ला ज़ुकाम के लिए। तो आप जो है इस रेसिपी को जो है ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो उस रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आपको मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।